आज के वीडियो का विश्लेषण क्या होगा? देखो, आज मैं 3 पॉइंट पे डिस्कशन करूंगा। सबसे फर्स्ट, जी हाँ, सेबी ने बहुत सारे एएमसी को अल्टीमेटम दिया, जी हाँ, वार्निंग दिया है, हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट, जो कल का गिरावट था उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड के एनएवी में कितना गिरावट हुआ है, हम उस पर बात करेंगे। और क्या उतना जो गिरावट हुआ वो एक लमसम अपॉर्चुनिटी में बदल सकता है। हम आगे ये भी बात करेंगे कि निफ्टी का नेक्स्ट लेवल क्या बन सकता है, गिरावट होगा तो कहां तक गिर सकता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी का अब क्या कहता है। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें, और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, जी हाँ, सेबी ने बहुत सारे एएमसी को यहाँ पे वार्निंग दिया है। देखो, 2022 में भी ये न्यूज़ सुनने को मिला था, 2021 में भी ये न्यूज़ सुनने को मिला था। कई ऐसे एएमसी हैं जो अपना सेल्स बढ़ाने के लिए, इट मींस कि अपने म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, जो उनके साथ डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट जुड़े हुए हैं, उनको ट्रेनिंग के रूप में बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाते हैं। जैसे कि कहीं बाहर जाने का एक पैकेज वैसे एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड किया जाए, या फिर स्पेशल 5-स्टार होटल में उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, या फिर कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट हो। और ऐसे ट्रेनिंग के नाम पे बहुत सारे यहाँ पे एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को, जी हाँ, मोटिवेट किया जा रहा है कि यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हो सके। अब देखो, सेबी ये अलाउ नहीं करती है, सेबी कभी भी अलाउ नहीं करती है कि कोई भी एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे म्यूचुअल फंड हाउस कुछ गिफ्ट के तौर पे दे, जी हाँ, कुछ इंसेंटिव यहाँ पे प्रोवाइड करे। अब सेबी ने कई बार ये वार्निंग दे दिया है, लेकिन एएमसी बार बार वही गलती कर रही है। हालांकि सेबी ने भी कोई फाइन नहीं लगाया है। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आप सतर्क रहो। कोई भी एनएफओ जब आता है तो बहुत सारे यहाँ पे एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर, हालांकि मैं बैंक को भी इसमें कवर कर रहा हूँ, वो आपको मोटिवेट करने लगते हैं, जी हाँ, आपको इन्वेस्टमेंट कराने के लिए कोई ना कोई वहाँ पे साधन ढूंढ लेते हैं कि किसी तरह आप वैसे एनएफओ में पार्टिसिपेट करो। जी हाँ, इन्वेस्टर को बताना चाहता हूँ कि अगर आपका पोर्टफोलियो परफेक्ट है तो ऐसे जालसाज से आप बचें, जी हाँ, कि एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर आपको फोर्स कर रहा है यहाँ पैसा लगा दो, नया फंड आया हुआ है। देखो, हो सकता है वो आपके रिस्क के लिए सुटेबल ना हो, आपके पोर्टफोलियो के लिए सुटेबल ना हो, लेकिन वो अपना टारगेट पूरा कर ले। मैंने कई ऐसे एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर देखे, जब उनको अपना टारगेट पूरा करना होता है ना, तो वो अपने कस्टमर को, जी हाँ, यहाँ पे क्रॉस सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। सर, नया एनएफओ आया, इसमें पार्टिसिपेट करो, नया एनएफओ आया है, यहाँ पे आप 10,000 डाल दो, यहाँ पे 50,000 डाल दो। देखो, आप अगर अपने फंड का संख्या बढ़ाते रहोगे तो धीरे धीरे आपका रिटर्न कम होता रहेगा। और मैं सेबी को भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ। देखो, आप बार बार वार्निंग दोगे, एएमसी बार बार वही गलती कर रही है, क्यों ना आप ऐसे एएमसी पे फाइन लगाओ। जी हाँ, मैंने कई बार देखा है सेबी कोई इंडिविजुअल लेवल पे कोई गलती कर बैठे तो तुरंत उस पे फाइन लग जाता है, लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एएमसी हो, वहाँ पे फाइन लगाने पे सेबी थोड़ा रिसर्च करती है, थोड़ा टाइम लेती है। और उसके साथ ही साथ कई बार मैंने देखा है कि जहाँ एएमसी का नाम है, 2022-2021 में भी मैं वार्निंग देते हुए सुना था, लेकिन कोई भी फाइन नहीं लगाया गया। अब सेबी को यहाँ पे जाग जाना चाहिए, जी हाँ, अगर कोई भी एएमसी इस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो उस पे फाइन लगाना चाहिए, तभी जाके एएमसी यहाँ पे रुक सकती है। नहीं तो आने वाले समय में कई ऐसे एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर को फिर से यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड किया जा सकता है, और कोई बड़े बड़े गिफ्ट प्रोवाइड किए जा सकते हैं। चलिए, अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, शायद इस वीडियो के माध्यम से सेबी के पास ये एडवाइस जरूर पहुंच जाए। दूसरा पॉइंट, कल मैंने वीडियो में ये कहा था कि आज लमसम का मौका नहीं है, गिरावट तो हुआ है बट ये लमसम में नहीं बदल सकता, बहुत बड़ा गिरावट नहीं था। अब देखो, म्यूचुअल फंड के एनएबी में अगर 1% 1.5% का गिरावट हो तो क्या ये एक लमसम का अपॉर्चुनिटी है? कल के दिन जो गिरावट हुआ उसका क्या म्यूचुअल फंड पे असर रहा है, हम उस पर बात करेंगे। कुछ म्यूचुअल फंड आपके सामने रखूंगा, हालांकि सारा म्यूचुअल फंड में कवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ एक म्यूचुअल फंड आपके सामने रखूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितना गिरावट हुआ है। देखो, अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं, एचडीएफसी इंडेक्स सेंसेक्स पेस जो फंड है वहां पे देखूं तो 2.23% का गिरावट है। हाँ, यहां गिरावट होना भी था क्योंकि लार्ज कैप बेस्ड फंड है और ये इंडेक्स फंड है, तो इंडेक्स में एचडीएफसी का स्टॉक सबसे ज्यादा गिरा था, यहां पे दबाव ज्यादा देखने को मिल सकता है, और इंडेक्स भी इतने के आसपास गिरा था। दूसरा जो मैं फंड आपके सामने रखा हूँ, मिराई एसेट मीट के फंड, इसमें 1.37% का कल गिरावट देखने को मिला।
क्या हम बस 1% या 1.3% 1.5% के गिरावट पे लमसम करेंगे। वैसे ही अगर आप देखोगे कैनरा को इमर्जिंग इक्विटी फंड, यहाँ पे जो गिरावट है वो सिर्फ 1.23% का, ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूँ तो यहाँ पे 1.10% का गिरावट है। ये फंड काफ़ी अग्रेसिव फंड है लेकिन गिरावट स्मॉल कैप में काफ़ी कम देखने को मिला। वैसे ही SBI कॉन्ट्रा फंड की बात करूँ तो यहाँ पे 1.57% का गिरावट है। पराग परिक फ्लेक्सी कैप में 1.53% का गिरावट देखने को मिला। मिला के देखो अगर आप गिरावट देखोगे तो लार्ज कैप में कल गिरावट ज़्यादा देखने को मिला लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर मैं कंट्रीब्यूशन देखूँ तो काफ़ी कम गिरा है और ऐसे में ये एक लमसम का अपॉर्चुनिटी नहीं है, इंतज़ार करना चाहिए। देखो थोड़े थोड़े गिरावट में अगर लमसम करोगे ना तो रिटर्न का ना फिगर काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंस देता हुआ नहीं दिखेगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसमें मार्केट ने आपको मौका नहीं दिया है, मौका मिलेगा लेकिन आपको धैर्य शक्ति स्ट्रांग रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में गलत जगह आपको पैसा नहीं लगाना है। हाँ लेकिन SIP को रोकना नहीं, आप अपने SIP को यहाँ पे चालू रखो, SIP को कंटिन्यू रखो। मैं बार बार बोलता हूँ SIP एक ऐसा टूल है जिससे लंबे समय में हम अपने डाउनसाइड प्रोटेक्शन को स्ट्रांग कर ही सकते हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पे रिटर्न के फिगर को भी हाई कर सकते हैं एवरेजिंग के थ्रू। और जो हम लमसम स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। हाँ इन्वेस्टर को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में लमसम का एडवाइस चाहते हो, जी हाँ सही समय पे आप लमसम करना चाहते हो जहाँ से ज़्यादा पैसा बन सके, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करो, डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि निफ्टी 50 का क्या हाल है। जी हाँ आने वाले समय में इसका गिरावट कितना हो सकता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो आंकड़ों के हिसाब से अगर कहें तो निफ्टी अभी 21,479 के लेवल पे है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो अगर मार्केट यहां से ऊपर चढ़ता है तो ऑलमोस्ट 21,787 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट यहां पे स्टेबल नहीं हुआ, मार्केट और गिरा, तो यहां पे जो एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो 21,200 का। जी हाँ 21,200 का एक सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिर के और फिर से रिकवर करे, लेकिन अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है, 21,200 को भी ब्रेक करता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 21,000 के करीब में मिलेगा। जी हाँ 21,200 का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, इसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया 21,700 समथिंग का। हाँ अगर वहाँ पे ब्रेक होता है तो एक स्ट्रांग सपोर्ट वहाँ पे 21,800 का बनता देखने को मिलेगा। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पे 21,000 के लेवल को भी ब्रेक करता है तो गिरावट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। देखो आगे पता चलेगा कि आंकड़े क्या कहते हैं, ये सिर्फ डाटा के बेसिस पे मैं आपके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए, आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब लाइक कर सकते तो भी स्टार्ट करें, फिर लेकिन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।